कि किस जो सितंबर से आपकी आईटी खुल रही है, और उसको लेकर डीएसटी ने जो है एसओपी भी जारी कर दी है, और रिलेटेड जो रिगार्डिंग आपके एग्जाम होने हैं उसके ऊपर भी काफी बड़ी जो अपडेट मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको दी थी, लेकिन उसको लेकर अभी भी छात्रों के अंदर संशय बना हुआ है, और मुझे बहुत सारे छात्रों के जो कमेंट आए उसको लेकर के क्या किसको प्रमोट किया जा रहा है, किसके एग्जाम होंगे, तो अभी भी कंफ्यूजन आपके बना हुआ है। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको साफ साफ बोला था कि जितने भी जो है 6 साल जो 6 महीने के जो ट्रेड है, 1 साल की जो ट्रेड है, और जिनका सेकेंड ईयर चल रहा है, तो उन सभी के नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर जो एग्ज़ाम लेने की यहाँ पर डीएसटी ने बात की है। और उसका मैंने ये भी बोला था कि आप जो है इसका ऑफिशियल लेटर जो है साइट पर देख पाएंगे, तो उसका ऑफिशियल लेटर भी जो है डीएसटी ने वेबसाइट पर जो अपने डाल दिया है। तो साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जैसा कि आपसे मैंने पहले भी अपील की थी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि ये जानकारी सभी तक पहुँचे, और आपके पास अब समय बहुत कम है, क्योंकि जैसे ही आईटीआई खुलेगी तो उसके बाद आपका प्रैक्टिकल वर्क पर ही ज़्यादा जोर दिया जाएगा, ज़्यादा जल्द से जल्द उसको पूरा कराया जाएगा। तो अपनी तैयारियों को जो है ऑनलाइन पैटर्न पर निमी ऑनलाइन लर्निंग पर भी कर सकते हैं आप, भारत स्किल ऐप के ऊपर भी कर सकते हैं, और एक निमी मॉक टेस्ट जो ऐप उसके द्वारा भी आप अपना मॉक टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। तो साथियों, ये देख सकते हैं मैंने कि ncvtmis.gov.in वेबसाइट खोली हुई है, इसका होम पेज है, और इसके राइट कॉर्नर पर नीचे जाएंगे तो ये लेटर दोनों जारी की कर दिए गए यहाँ पर, कि एक तो जो कल मैंने वीडियो में लेटर दिखाया था कि री ओपनिंग को लेकर और एग्ज़ाम को लेकर क्या क्या गाइडलाइंस हैं, और SOP भी जारी कर दी गई है, तो यहाँ से आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डायरेक्ट आप खुद भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो एडवाइजरी थी एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर जो है ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर छात्र जो सबसे ज़्यादा जो है कंफ्यूजन यहाँ पर बैक पेपर वालों की थी। तो साथियों, जो भी मैंने मेल किया था डिस्ट्रिक्ट को, तो उसमें इन्होंने यही कहा कि हम सभी के एग्ज़ाम लेंगे, तो फिलहाल जो नवंबर के फर्स्ट वीक में हो रहे हैं तो उसमें बैक पेपर वाले बच्चों के भी एग्ज़ाम होंगे, ये लगभग तय है। तो आप भी जो बैक पेपर वाले छात्र जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी जो है शुरू कर दीजिएगा, जिस भी पेपर के अंदर आपका जो है बैक आया हुआ है। तो मैं ये दोबारा लेटर आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें साफ यहाँ लिखा है, आप दोबारा कंफ्यूज मत होइए, जितने भी 6 महीने की ट्रेड है या 1 साल की जो ट्रेड है, और जो जिनका फाइनल ईयर चल रहा है 2 साल की ट्रेड का, उन सभी के जो है 21 सितंबर से जो है आपकी आईटी ओपन हो जाएगी, आपका जो है सारा जो प्रैक्टिकल वर्क पूरा करा के नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा, डेट शीट आपकी आ जाएगी, और आपके जो नवंबर के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक आपके एग्ज़ाम करवाने की बात यहाँ डीएसटी कह रहा है। अब बात करते हैं जो फर्स्ट ईयर जिनका चल रहा है, तो उनको एक बार जो है सेकेंड ईयर में प्रवेश दे दिया जाएगा, और उनकी जो क्लासेज है 10 नवंबर 2020 से शुरू कर दी जाएगी। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है उनको सेकेंड ईयर स्टार्ट, और उनका सेकेंड ईयर 10 नवंबर से उनकी जो क्लासेज सेकेंड ईयर की शुरू हो जाएंगी, और उनको गिविंग देम, ये लाइन पढ़िएगा, प्रोविजनल एडमिशन टू द सेकेंड ईयर। तो एक बार प्रोविजनल एडमिशन दिया जा रहा है, एक तरह से प्रमोट किया जा रहा है सेकेंड ईयर में, लेकिन आपके जो फर्स्ट ईयर चल रहा है जिनका 2 साल की ट्रेड का, उनके एग्ज़ाम भी होंगे, ये भी बात डीएसटी ने बोली है। तो ये देख सकते हैं, एग्जामिनेशन आर प्रपोज्ड फॉर फर्स्ट ईयर आफ्टर कंक्लूजन 2.8 इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। तो दिसंबर के अंदर जो प्रमोट किए जा रहे हैं छात्र फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर के अंदर, तो उनके भी एग्ज़ाम यहाँ पर लेने की बात बोल रहा है डीएसटी दिसंबर के महीने में। तो एग्ज़ाम यहाँ पर सभी के होंगे। हाँ, फिलहाल ये है कि जो फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर रहे हैं उनका आगे नेक्स्ट मंथ में लेने की यहाँ पर बात डीएसटी ने की है, और बाकी जो है उनका जो है नवम्बर के अंदर यहाँ पर हो जाएंगे एग्ज़ाम। तो बैक पेपर वाले भी ध्यान रखें कि आपका भी जो है यहाँ पर एग्ज़ाम पूरे डेफिनेटली होने जा रहे हैं। और बात करें हम यहाँ पर साथियों, इन्होंने आगे ये भी बात बोली है अपने जो सेकंड है लेटर, कि इसके अंदर जो है कुछ जो ITs है, क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, तो उनकी क्लासेज वहाँ ना लग के जो नियर बाई ITs है उनके अंदर भी यहाँ पर लगेंगी। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ITs आर बींग यूज एज ए क्वारंटाइन सेंटर बाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इफ दे आर नॉट हैंडेड ओवर बैक टू द ITI मैनेजमेंट अथॉरिटी, देन जो ITI शैल बी अलाउड टू अंडरगो ट्रेनिंग इन नियर बाई ITI गवर्नमेंट या प्राइवेट विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीस बाय स्टूडेंट।
मतलब अगर 21 सितंबर से पहले पहले अगर आपकी आईटी को जो प्रशासन वापस नहीं करता है, तो आपकी जो क्लासेस हैं जहाँ क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं जिस भी आईटी में पूरे इंडिया में, तो उनकी जो नियर बाय जो भी आईटी होगी वहाँ पर क्लासेस लगाई जाएंगी। तो ये काफ़ी सारे जो हैं यहाँ पर गाइडलाइंस भी जारी की गई है अलग से। तो कंफ्यूज मत होइए छात्रों, ज़्यादा से ज़्यादा अपना पढ़ाई के ऊपर फोकस रखिएगा। और फर्स्ट ईयर ये जो क्लासेस वगैरह हैं वो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके लिए भी 21 सितंबर से खुल रही है, उनका भी प्रैक्टिकल वर्क पूरा कराया जाएगा। लेकिन जो है 10 नवंबर से उनकी सेकेंड ईयर की जो क्लासेज शुरू हो जाएंगी, सिलेबस वगैरह शुरू हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि अब आपके बीच में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आप मुझे पूछ सकते हैं कोई भी आपको प्रॉब्लम है रिगार्डिंग। और साथियों ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके जो एग्ज़ाम होंगे, तो एग्ज़ाम जो है साथियों अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है डीएसटी की तरफ से कि ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन। जल्दी इसके बारे में भी आपको गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी, और जैसे कोई गाइडलाइन आएगी तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगा। और यहाँ पर एक बात जो आ रही है वो यही है कि एग्ज़ाम मोस्टली जो चांसेस है ऑफलाइन होने के ही दिखाई दे रहे हैं कोरोना वायरस के चलते हुए। तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो सारा मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद साथियों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।